भैया भैया जाना नहीं है क्या? कल बोला था मैंने। चल। So, hey, what's up guys? कैसे हो आप सब? मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग। So, guys, रिया मनाली जा रही है मामा की लड़कियों के साथ और मैं इसको मामा के छोड़ के आ रहा हूँ। वाटर पार्क जा रही थी तब इससे ज्यादा चीज थी तेरे पास, तो आधी कॉफी तो लेके आएंगे ना। मैं आपके लिए थोड़ी जा रही हूँ। इतनी सारी खुद ही खा ली? हाँ, फिर बचा के भी ये गूंद के लड्डू भी भेज दिया आपने। तो गूंद के लड्डू खाएगी वहाँ पे मनाली में? मैं नहीं लेके जा रही, मामा को देने हैं। ये इतना सारा सामान है और जूते कितने जोड़ी है? सिर्फ तीन जोड़ी पहन जाऊंगी। सिर्फ तीन जोड़ी? सिर्फ तीन जोड़ी पहन जाऊं। तो इतना ज्यादा लगेज लेके जा रही है, सारा लगेज तो तेरा ही आ जाएगा गाड़ी में। सो गाइज, तीन चार दिन पहले तो रिया और मैं ही प्लान कर रहे थे मनाली जाने का, और कल मामा ने कॉल ही कर लिया इसके पास कि मनाली जा रहे हैं सारी लड़की लड़कियां। बहुत खुश हो रही है। झूठ मूठ की एक्साइटमेंट दिखा रही है। देखो क्यों? तो तेरी शक्ल से तो नहीं लग रहा तू एक्साइटेड है। और क्या दिखा? अच्छा, बर्फ पड़ रही होगी वहाँ पे? शायद नहीं, पर पड़े तो गूगल पे चेक कर बर्फ पड़ रही है या नहीं पड़ रही। मनाली में तो दिखा रहा है 1 डिग्री, सनी दिखा रहा है वैसे वेदर, स्नो नहीं पड़ रही वहाँ पे। कल वैसे मुझे सपने में भी दिखा था। क्या सपने में दिखा था? कि मैं मनाली जा रही हूँ बैग पैक कर रही हूँ, और फिर कल मेरे को पता लगा मामा यही कह रहे हैं कि मनाली चलो। अच्छा, तेरे को पहले सपने में ही दिख गया? हाँ, मेरी मम्मी को बताया तो मम्मी बोलती है अच्छा ऐसा भी लगे। अच्छा, सपने सच होते हैं या नहीं होते ये आप कमेंट में लिख के बताना, आपको इन चीजों पे यकीन है या नहीं, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें अपना। देखिए पेंटिंग्स देख कितनी बढ़िया लग रही है। और गाइज एक चीज और, रिया को ना स्केचिंग का शौक है, ये स्केचिंग वगैरह पेंटिंग वगैरह करती है। बाकी मैं इसकी पेंटिंग्स वगैरह घर जाके दिखाऊंगा जब ये वापस आएगी मनाली से। तूने लिपस्टिक लगा ली? अरे नहीं, तो हमको छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था यार, यश को छोड़ के जा रहे हैं ये लड़की है ना। हाँ। यश काफी ज्यादा सैड है, वैसे हंस रहा है ये। इसको छोड़ के सब जा रहे हैं, सारी लड़कियां जा रही हैं मनाली, और उनके साथ सिर्फ एक ड्राइवर जा रहा है। दिशा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं, कुछ नहीं होता। अच्छा ये बता, आज मैं तेरे को घुमा के लाऊं कहीं बढ़िया सी जगह, अपन दोनों चलते हैं। तो गाइज ये ना इनका प्लान है कि ये सरोजनी नगर जाएंगे। अंदर है, लेटी हुई है। सुबह से लेटी है तू ऐसे ही? ये भी तो है, देख कैसे छुपी हुई तू। अच्छा तुम्हें शर्म नहीं आ रही है इसको छोड़ के जा रहे हो तुम? तो वो मैं तो वैसे भी चला जाऊंगा। मनाली में पापा के दोस्त की कॉटेज है और वहाँ पे व्यू अच्छा है काफी ज्यादा। अरे तो सुन ना, तू नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, हम जा रहे उस कॉटेज का बता दे। और शायद मैं जनवरी में जाऊंगा जब बर्फ पड़ेगी, फिर मैं तुम्हें चलाऊंगा। मस्त प्लान है, यश को भी लेके जाऊंगा भाई। कैसी जगह बना रहे हो? कैसी बनाऊं? आप क्यों फाड़ रहे हो? कुत्ता है तू, कुत्ता। क्या हुआ यश? देखा, मैंने बोला था ना पक्का रुसा हुआ है, बता नहीं वाला। यार ये छोटा सा ही तो है यार, क्या ही जगह ले लेगा ये, तुम इसको लेके नहीं जा रहे? गर्ल्स तो गर्ल्स। हाँ, और नहीं तो क्या। अब ये कौन सी बात होगी, गर्ल्स तो गर्ल्स ही है। ग्रुप में कहाँ घुसेगा तू, भीड़ में? तो ये छोटा सा ही तो है। खाली है इनोवा में, छह लोग बैठ जाएंगे। छह सात So guys, हम ना कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं यश और मैं, देखेंगे कहीं अच्छी जगह जो मिलेगी वहां जाएंगे। क्या लाया है? ऑमलेट। तो गाइज खाना खा रहे हैं और खाना खा के बात करते हैं। तो गाइज यश ना मुझे काफी दिन से कह रहा था कि भैया भट्टी मोमोज खिलाओ, तो आज मैं फाइनली इसका पूरा कर रहा हूँ। खुश नहीं दिख रहा तू, रहने नहीं जा रहे? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो। फूड एम्बेसडर का बोर्ड कहाँ है? यहाँ पे लगा रहता था, मुझे देख के आते हैं या नहीं। सो गाइज यश की किस्मत बहुत खराब है, ये रेस्टोरेंट लॉकडाउन से पहले से ही बंद है। भट्टी मोमोज कैसे खाएगा तू? तो
सो गाइज हम आ चुके हैं घर पे और भाई एक ऐप बताया यश ने मुझे, 200 तक का कोई आइटम मंगाते हो ना या फिर उससे ऊपर आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा फ्लैट। मतलब मैंने अभी ये समझ लो 235 का ऑर्डर कर रहा हूँ मैं और मुझे 200 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। चॉकलेट मॉन्स्टर शेक 160 रुपए का है, ये बहुत बड़ा और ये मुझे काफी सस्ता पड़ जाएगा। भैया अपने घर पे जा रहे हैं भाडूरगढ़, मैं भैया को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। सो गाइस मैं वापस घर जा रहा हूँ अपने। तो गाइज मैं ना घर पे जा रहा हूँ और घर पे जाने के बाद सीधा चाचा के पास जाएंगे और चाचा का डॉग फार्म देखेंगे कि कितना तैयार हो गया। तो गाइज चलो चलते हैं। चिकी ये क्या पहन रखा है तूने? बहुत दिनों बाद व्लॉग में दिखे, कहाँ गए हुए थे? मैं कुरुक्षेत्र गया था। डॉग फार्म कब तैयार हो रहा है आपका? लगभग कंप्लीट हो ही गया। अच्छा हो गया, लगभग हो गया, दो चार दिन में लाइटें वाइट लग जाएंगी। डॉग्स वगैरह परचेज करने कब जाओगे? जल्दी लाएंगे, अभी चल रही है बात, एक दो जगह बात चल रही है। तो गाइस जो भाई लोग पूछ रहे थे ना कि भाई डॉग फार्म कितना तैयार हो गया, तो चाचा बता रहे हैं भाई 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा और शिज्जू वगैरह भी परचेज करने चलेंगे, उसका भी व्लॉग आएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ, दीवार वगैरह होगी वैसे? दीवार कमरे रूम तैयार हो गए, लेकिन अभी लाइट नहीं लगी, लाइट लगाने निकल कुछ लाइट लगाऊंगा अभी, देखने चले। चलो देखते हैं। चाची सुन रही है, ये देख साथ साथ घूम रही है ना, उल्टी चप्पल देख उल्टी चप्पल की पहन रही है। सीधी कर इसको चिकी, सीधी कर। ओ गाइस देखो पिछली वीडियो देखते हैं आप और अब देखो कितना चेंज हो चुका है, ये लैट्रिन बाथरूम बन रहा। अच्छा सो गाइज अगर आपने पिछली वीडियो देखी थी ना डॉग्स वाली, तो मैंने उसमें दिखाया था कि भाई ये कितना तैयार हो रहा है और अब ये देख लो बिल्कुल यहाँ का मैप ही चेंज हो चुका है। हाँ अभी लाइट की थोड़ी कमी है गाइज, और गाइज जब ये बन रहे थे ना मुझे काफी छोटे रूम्स लग रहे थे ये, पर अब ना भाई एक ब्रीड के लिए काफी है ये एक रूम। ये देखो गाइज बहुत सही चाचा, बहुत सही आपने डॉग फार्म खोल लिया प्रॉपर है। अच्छा वो दूसरे प्लॉट में लगा रखे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो गाइज हमने ना प्लान किया है, चाचा मैं और राहुल भाई और अजय और मैक्स को भी लेके जाएंगे, पिटबुल को बड्डो में लेके जाएंगे। चाचा बताना उसके बारे में थोड़ा। राहुल वहाँ पे कुछ पैरा क्या बोलते उसको, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। गाइज देखो आपने अगर मेरी वीडियोस वगैरह देखी हो ना, तो मैंने एक जगह दिखाई थी यहाँ पे बड्डे नाम से, बड्डे बोल लेगा बड्डे है वहाँ पे, है थोड़ा भूत वगैरह कुछ लोगों ने देखा इधर, मतलब एग्जैक्टली। रुक जा रुक जा, चिंता भी हो सकता है। कहाँ था मैं? और गाइज मैक्स जो कि पिटबुल है उसको लेके जाएंगे साथ में, और देखते हैं उसको ले जाने का कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, पर वैसे सेफ्टी के लिए भी ले जाएंगे। छोटू भी चलेगा हमारे साथ, अजय राहुल चाचा और मैं और पिटबुल, हम सब चलेंगे होस्ट देखने या फिर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह दिखे। ये तो है कि डॉग्स को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह बहुत दिखती है, तो कल ट्राई करते हैं कुछ दिखता है या नहीं दिखता, तो कल चलेंगे। बाय बाय चिकी। सो गाइज मैं आ चुका हूँ घर पे और भाई काफी ज्यादा थक चुका हूँ, और रिया आज सुबह शॉपिंग के लिए निकली थी मामा की लड़कियों के साथ, सरोजनी नगर गई है, कल सुबह का प्लान है इनका, 4 बजे निकलेंगे ये मनाली के लिए। बाकी अपना भी मन था यार, कोई बात नहीं। और गाइज चाचा का डॉग फार्म बिल्कुल तैयार होने पे है, 3-4 दिनों में पूरा डॉग फार्म तैयार हो जाएगा, जहाँ पे ये पिटबुल अर्जेंटिनो और शिज्जू वगैरह भी परचेज करने जाएंगे हम। वैसे पिटबुल और अर्जेंटिनो तो है ही तुम्हें पता है, बाकी शिज्जू वगैरह अच्छी अच्छी ब्रीड्स परचेज करने जाएंगे, जब वो सब परचेज करेंगे तो उसकी भी वीडियो आएगी। और गाइज एक मस्त चीज प्लान की है आज हमने, तुमने तो देख ही लिया वीडियो में, जो चाचा के घर के उधर एक जंगल सा है, जहाँ पे बहुत बातें सुनी है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह होती है, हॉन्टेड जगह है, वहां पे जाएंगे चाचा मैं राहुल भाई पिटबुल को भी लेके जाएंगे साथ में, उधर घोस्ट हंटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज स्पॉट करने की। और गाइज अभी मैं एडिटिंग करूंगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। ये पूरा लैपटॉप तौली से ढक रखा है ताकि डस्ट वगैरह ना आए, बाहर से ना थोड़ा डस्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है हमारी सिटी में। तो गाइज यही था आज की वीडियो में, सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।